कातिल कोरोना से जंग लड़ रहे भारत में पिछले 21 दिनों से लॉकडाउन है। देश पूरी तरह से थमसा गया है। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। जो जहां है उसे वही रहने की हिदायत सरकार और प्रशासन की ओर से पहले ही दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। हर रोज महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत की खबर आ रही है। ऐसे में भी चंद्रपुर जिले में काम करने वाले प्रशासन के अधिकारियों ने खुद इस लॉकडाउन का भद्दा मजाक बना रखा है। प्रशासन की ओर से अपने सभी अधिकारियों को सख्त ताकीद देने के बावजूद चंद्रपुर पंचायत समिति के ज्ञानेश्वर सपाटे, जो BDO की पोस्ट पर बकायदा तैनात है, जिसे संवर्ग विकास अधिकारी भी कहा जाता है, वो शख्स लॉकडाउन की कालावधि में अपनी पोस्ट का गैरकानूनी ढंग से फायदा उठाते हुए नागपुर तक का सफर तय कर फिर वापिस चंद्रपुर में आया है। लॉकडाउन की तय सीमा में जहां लोगों के काम पूरी तरह से बंद है, लोगों के खाने के लाले तक पड़ चुके हैं, ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारी अपनी पोस्ट का गैर फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के मरीज नागपुर में भी मिले हैं। इतना ही नहीं, नागपुर में कोरोना से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। सरकार ने नागपुर को रेड जोन में रखा है। ऐसे में हमारे चंद्रपुर पंचायत समिति के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ज्ञानेश्वर सपाटे नागपुर तक जाकर सैर सपाटा कर वापिस लौटे है। जनता को घर में ताला बंद कर अधिकारी शहर दर शहर सफर कर रहे हैं। कोरोना के शहर से संकट को चंद्रपुर में ला रहे हैं। चंद्रपुर फिलहाल सेफ जोन में है, लेकिन ऐसे अधिकारियों की बदौलत चंद्रपुर पर कोरोनाग्रस्त होने का धब्बा लगने के ज्यादा आसार है। ऐसे में भी प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारी आखिर अपने अधिकारियों को बचाने के लाख कोशिशें करते हैं। इस मामले में भी ज्ञानेश्वर सपाटे, जो कि ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी है, इन पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने की धारा 188 की कार्रवाई कर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने होना था, लेकिन प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारी लॉकडाउन को तोड़ने वाले अधिकारी को बचाने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में ऐसे ही एक मामले में एक IPS अधिकारी को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। उस IPS अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश तक दे दिए गए हैं। ऐसे में ये सवाल निर्माण होता है कि क्या हमारे चंद्रपुर में कानून की परिभाषा कुछ अलग है? ये सोचने वाली बात है। चंद्रपुर पंचायत समिति के संवर्ग विकास अधिकारी ज्ञानेश्वर सपाटे पर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज करने की छोड़ कारण बताओ नोटिस उस अधिकारी को भेजा गया है, जिससे उसे बचने का मौका प्रशासन ने खुद ही दे दिया है। मजलूमों पर सख्त कार्रवाई करने वाले अधिकारी अपने ही अधिकारी पर सही में कार्रवाई कर पाते हैं, या फिर कारण बताओ नोटिस के बाद इस मामले को पूर्ण विराम दे दिया जाएगा, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। टीम VL24 न्यूज़।